नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मोदी जी का नोटबंदी के बाद फिर एक बार कड़ा फैसला, वाह मोदी जी वाह। नए नियमों के तहत कैसे होंगे रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी, सैन्य कर्मी, रेलवे, दूरसंचार, आयकर, डाक, पब्लिक सेक्टर तथा बैंक इत्यादि के कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। DOPD ने जारी किया आदेश, 15 जुलाई को खुलेगा पिटारा। आइए देखते हैं पूरी खबर इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अभी यूनियन बजट 2019 आया नहीं, उससे पहले ही मोदी सरकार ने कर दिया एक बड़ा धमाका। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार कामचोर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कसेगी शिकंजा। भ्रष्ट और कामचोर कर्मचारियों और अधिकारियों की हर महीने होगी छटनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार कामचोर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। नवभारत टाइम्स के मुताबिक हर महीने केंद्रीय कर्मचारियों का मूल्यांकन होगा। सरकार सभी मंत्रालयों और विभागों से उन कर्मचारियों की लिस्ट मांगेगी जिन्हें समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो सरकारी कर्मचारियों के रवैये में बड़ा बदलाव आएगा, जिससे लोगों के काम आसानी और तेजी से हो सकेंगे। मोदी सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से लिस्ट मांगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार ने पिछले कुछ दिनों में आयकर विभाग के बड़े अधिकारियों को जबरन रिटायर किया था। अब सरकार की इस कार्रवाई का दायरा केंद्रीय कर्मचारियों से बढ़कर सार्वजनिक उद्यमों और बैंक कर्मचारियों तक बढ़ेगा। सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को पत्र लिखकर हर महीने ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट देने को कहा है जो अपने काम से विभाग के मानकों पर खरा नहीं उतरते हैं, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर किया जाएगा। दोस्तों, यही नहीं, अलग से मांगिए भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट। पत्र में कहा गया है कि लिस्ट को बिना किसी पूर्वाग्रह के पारदर्शी तरीके से पुख्ता आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था इसी महीने से लागू हो रही है। तो दोस्तों, अब ऐसे भ्रष्टाचार या कामचोर कर्मचारी हों या अधिकारी, किसी की भी खैर नहीं। दोस्तों, इतने कर्मचारियों को निकालने के बाद उनकी भरपाई के लिए मंत्रालयों और विभागों में अब कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की शर्त में ढील दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPD ने नया गाइडलाइन जारी करते हुए सभी मंत्रालयों और विभागों को तत्काल योग्य रिटायर्ड कर्मियों को तलाश करने के लिए कहा है, क्योंकि जिन पदों पर नियुक्ति जरूरी है, केंद्र सरकार में अंडर सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर से रिटायर्ड अधिकारी इन पदों पर रखे जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से DOPD ने रिक्त पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था दी है। तो दोस्तों, ये है मोदी जी का कड़ा फैसला। अब देखते हैं कि इस पर एक्शन कहां तक होता है। ये थी जानकारी इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।